दिलीप भदौरिया जी, स्वागत है आपका। हेलो हाँ मैडम, नमस्ते। जी, नमस्कार। दिलीप जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है मैडम कि मेरे नहीं सोने के टाइम पे रात में है ना घबराहट जैसी होती है, गेट टाइप बनती है मैडम। घबराहट होती है, हाँ रात के टाइम और गेट बनती है। गैस बनती है। आपकी उम्र क्या है? मेरे 33 साल। 33 साल। से जब भी खाना खाया करें, 2 चम्मच सौंफ खा लिया करें। ये घरेलू इलाज बहुत आसान है अगर आप करना चाहें तो। पहले सब लोग खाने के बाद सौंफ खाते थे, आप भी ये शुरू करके देख सकते हैं। अच्छा, अपने जो खाना बनाता है आपके घर में उनसे कहिए मेरी तरफ से कि बहुत दिन हो गए इतनी सी अदरक और इतना सा लहसुन यूज़ करते हैं इतने सारे खाने में। तो देखिए, इतनी अदरक और इतना लहसुन और इतना ही धनिया यूज़ करें पूरे परिवार के खाने में। तो ये बगैर दवा के भी, सिर्फ खाने का तरीका बनाने के तरीके से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। जी, जयपुर से हैं सुनील गुप्ता जी, स्वागत है आपका। जी, मेरे को पिछले 20 साल से एसिडिटी रहती है। उस एसिडिटी का पता ऐसे चलता है कि मेरे सारे शरीर में दर्द होता है, ठीक है। और जब सुबह सुबह 2-3 गिलास पानी पी के, 4 गिलास पानी पी के जब निकालते हैं तो वो पूरा गला छिल जाता है और पूरा खट्टा खट्टा निकलता है। उससे पता पड़ता है कि एसिडिटी है, और उस एसिडिटी की वजह से मेरा पूरा शरीर दर्द होता है, सिर दर्द होता है और पाँव में दर्द होता है, सभी जगह दर्द होता है उसकी वजह आपकी से। उम्र क्या है? 40 साल। हाँ, पानी खट्टा आता है तो बदहजमी है। अगर खट्टा खट्टा मुंह में किसी को भी पानी आ जाए तो समझ लीजिए बदहजमी है। तो देखिए, घरेलू इलाज में अभी बता रहा था किसी को कि सौंफ खाया करें हर खाने के बाद 2 चम्मच, और जो घर में खाना बनता है उसमें अदरक लहसुन इतना इतना डालें। अक्सर महिलाएं इतना सा डालती हैं तो भी बहुत हजम बढ़ जाता है, आदमी का हाजमा दुरुस्त हो जाता है। ये तो अच्छे इलाज है, आज से ही आप करके देख सकते हैं। और नहीं तो आप नमक जैतून आता है, नमक जैतून ये देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता, ये ले लीजिए 100 ग्राम असली और 2 चुटकी या 1 चुटकी हर खाने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चुटकी या 2 चुटकी, देखिए ये चुटकी कहता हूँ मैं इसे, जितना भी आए 1 गिलास पानी मिलाकर खाने से पहले पी लिया करें आधा घंटा। ये भी आपको इस रोग में फायदा कर सकता है। जी, मुजफ्फरनगर से हैं राकेश जी, स्वागत है आपका। हेलो राकेश जी, शायद आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, आप एक बार फिर से कॉल ट्राई जरूर कीजिएगा, लगता है फिर से आपकी कॉल कनेक्ट हो गई है। जी बोलिए। नमस्कार जी जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। जी जय हिंद सर, बताइए। नहीं जी, दूसरा नहीं। हेलो बोलिए बोलिए, हेलो आप टीवी से बात मत हेलो कीजिए, टीवी से मत सुनिए, टीवी हेलो पर हेलो, सुनेंगे तो हाँ जी हमारी नमस्कार आवाज आप जी। तक देर में पहुंचेगी। मुझे पूछना चाहिए, मेरे पूछिए हमारे हेलो सर, टीवी से मत सुनिए, ये मैं आपसे नहीं, अनुरोध करना चाहूंगी, हमारे आप मिसेज सवाल के कर पैरों में लीजिए। दर्द रहे, पैरों में। हेलो पैरों में दर्द रहता है आपकी मिसिज के? ठीक हेलो है हेलो, जी राकेश शर्मा बोल रहे। जी शर्मा साहब आपकी आवाज़ मुझ तक आ गई, अब आप जवाब सुन लीजिए। देखिए, जिनके भी पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, टांगों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, उनके घर में वेस्टर्न टॉयलेट या कुर्सी वाला शौचालय अनिवार्य है, नहीं है तो लगवा लें तो बहुत फ़ायदा होता है। और एक गौन जिसको मैं बार बार बोलता हूँ और बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, अब वो गौन का नाम है गौन स्याह, स्याह यानी काला। ये काला गौन असली लेना आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि नकली बहुत मिलता है।
आधा ग्राम सुबह खिलाइए मरीज को जिनके दर्द है, खाने के बाद आधा ग्राम समझ लीजिए इतना सा होता है, आधा ग्राम सुबह खिलाइए, आधा ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के बाद पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से, जैसे आपके हालात है सबसे फ़ायदा करता है। लेकिन याद रखें असली लेना ज़रूरी है, इसके बदले में दुकानदार नकली गोंद दे रहे हैं, एलवा दे देते हैं, एलवा नहीं है ये, ढाक का गोंद भी नहीं है, ये सब दे रहे हैं लोग। तो असली लेना आपकी जिम्मेदारी है, अगर 100 ग्राम भी असली मिल गया तो आपको फायदा होना मुमकिन है। जी मंजू, स्वागत है आपका। जी मैम प्रणाम। प्रणाम, बताइए, सवाल कर लीजिए। कह रहा है जैसे मैं सो के उठती हूँ तो मेरे कमर से नीचे पैर में इतना दर्द होता है, सोने में भी होता है, लेकिन काम करती हूँ तो दर्द नहीं रहता है, लेकिन सो नहीं पाती। दर्द आपको कब से है? 5-6 साल हो गया। आपकी उम्र क्या है? 40 साल। अच्छा, देखो ये दर्द ऐसा होता है कि आदमी की कमर में नसें दबी होती हैं, लेटने के समय वो और दब जाती है, और वो खून सप्लाई वाली रग जिसे साइटिक नर्व कहते हैं वो दब जाती है अक्सर, और इससे दर्द किसी के एक पैर में, किसी के दोनों पैरों में, कभी कमर में, कभी घुटनों में, कभी कूलों में। तो एक तो आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए, कुर्सी वाला शौचालय अनिवार्य है, नहीं तो आपको बहुत आसानी से फ़ायदा नहीं होगा अगर वेस्टर्न टॉयलेट ना हो तो। फिर एक जो मैं गोंद का जिक्र करता हूँ, गोंद स्याह, एक काला गोंद को कहते हैं, आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम, लेकिन असली मिलना बड़ा ज़रूरी है। मेरे नाम पर कहीं ठगा ना जाएं आप, वो गोंद स्याह की जगह लोग एलवा दे देते या ढाक का गोंद दे देते, ये अलग गोंद है, असली ले, बहुत लोग नकली बेच रहे हैं। 100 ग्राम भी आपको असली मिल गया तो देखिए बहुत पुराना दर्द है, असली लेने की कोशिश करें, और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खाएं। 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है, 1 ग्राम इतने में आ जाता है, ये एक दिन की का इलाज है, 5-7 दिन के बाद फ़ायदा शुरू करता है, थोड़ा सब्र करना। और ये 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो आप अपने ख़त्म होने से पहले रोगी को रोग मुक्त करने की ताकत रखता है। जी भोपाल से स्वागत है आपका। हेलो, क्या नाम है? मेरा नाम नीरज किशन। नीरज, नीरज किशन जी, आपका सवाल क्या है? मुझे बीपी है, बीपी बढ़ता है मेरा। बीपी बढ़ता है आपका, आपकी उम्र क्या है? हाँ, मेरी 76। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए बीपी अब हर शख्स को तकरीबन होने लगा, जो भी 40 साल पार करता है वो कभी भी बीपी की चपेट में, शुगर की चपेट में, कोलेस्ट्रॉल की चपेट में, दिल के रोग की चपेट में, डायबिटीज की चपेट में आता ही है, आज नहीं तो कल। ये तय हो गया कि अब सारे रोग सबको होते हैं, वो लोग बच सकते हैं जो पहले से सुरक्षा कर ले, बीपी हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, और ऐसे छोटे मोटे मर्ज जो हो ही नहीं सकते अगर हम जैतून का सिरका इस्तेमाल करें। जो निरोगी हैं वो दिन में एक बार कभी भी इस्तेमाल कर लें, 3 चम्मच पानी में मिला के जैतून का सिरका, असली वाला लेके, नकली मत लेना, नकली भी बहुत मिल रहा है। और जो रोगी हैं वो 2 बार इस्तेमाल करें, आपको बहुत कंट्रोल, बहुत फ़ायदा मुमकिन है। जी तिवारी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी, नीरज जी कहाँ से बात कर रहे हैं? सुल्तानपुर से बात कर रहा हूँ मैडम, मेरे 3 सवाल हैं। असीम साहब, बोलिए। हमने गोंद मोरिंगा मंगाया हुआ है, ठीक है, तो हकीम साहब कहते हैं उसका पाउडर बना के यूज करें, ठीक है, तो उसकी मात्रा कैसे तय करें? हमने बहुत कूटा पीसा लेकिन पाउडर नहीं बनता है। अच्छा ठीक। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि मैं हेयर कलर यूज करता हूँ और शैम्पू, तो शैम्पू डेली यूज नहीं करना चाहिए,
क्या 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 यूज करते हैं आप? हेयर कलर यूज करते हैं? जी 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 हाँ, हेयर कलर यूज करते हैं। आगे क्या कहा आपने? तो हकीम साहब ये कहते हैं कि बाल जेली शैम्पू नहीं करना चाहिए। हम लोग बाहर काम पे निकलते हैं तो बाल गंदे हो जाते हैं, अगर शैम्पू नहीं करते हैं तो बाल कड़े हो जाते हैं। प्रोफेशनल वर्क है तो इसका क्या उपाय है और कौन सा हेयर कलर यूज करें? ठीक। और तीसरा सवाल मेरा है, मेरा एक 7 साल का बच्चा है, वो दौड़ता खेलता तो बहुत है लेकिन खाना बहुत कम खाता है। कितने साल का बच्चा है? 7 साल का बच्चा। 7 साल का जी। हाँ, जो 7 साल का बच्चा है वो जो भी खाता है शौक से, चाहे थोड़ा सा ही खाता है, उसमें सौंठ या अदरक जो भी है, या उसका जूस अदरक का मिला दें, फिर उसके जायके का बना के खाएं। खाना खाता है तो भी उसमें अदरक का यूज़ खूब कराएं। एक नुस्खा भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप बना लें तो देखिए, इसबगोल की भूसी 100 ग्राम और अदरक का पाउडर होता है उसे सौंठ कहते हैं, 50 ग्राम सौंठ का पाउडर और 100 ग्राम अलसी, इनको पाउडर बना दें और इसमें शहद मिला दें इसके बराबर का। ये इतना जायकेदार होता है जी, बच्चे को एक चम्मच खिला दिया करें रोज़ाना। आप इसे पाउडर नहीं बना पा रहे तो मुझे हैरानी है, लेकिन इसको आप जितना ये है इतने ही पानी में डाल दें और 3 घंटे बाद देखें, ये फूल जाएगा जी और पानी पी लेगा, फिर इसकी आप गोलियां बना के रख लें, आपको फायदा होना मुमकिन। हरियाणा से हैं कैलाशवती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। आदाब। मैं ना आपके हेलमेट के बारे में पूछना चाहती थी, उनकी ना उम्र 73 है। भाई मैं आपकी आवाज बहुत कम आ रही, प्लीज। हाँ, तेज आवाज में बात कीजिए। आप अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हैं? उनकी ना उम्र 73 है। ठीक है। उनको ना डिप्रेशन है। डिप्रेशन है? हाँ, डिप्रेशन ऐसे हुआ कि मैं ना गिर गई थी तो मेरी टांग खराब हो गई, तो तब से ना इनको डिप्रेशन हो गया कि मेरा घर खराब हो गया। डिप्रेशन है क्योंकि इनका एक पैर खराब हो गया है, उसको लेके वो डिप्रेशन में रहते हैं। अच्छा, इनका पत्नी का? जी। ठीक है। और देखिए, डिप्रेशन के वक्त जरूरत होती है एक अच्छे दोस्त की, और वो ऐसी बातें करे जो उसको पसंद हो, चाहे वो गलती क्यों ना हो। एक तो ये आप उन्हें रोज ऐसी सपोर्ट दिया करें कि उन्हें हौसला मिले, चाहे वो बातें गलत हो, समाज के लिए उनके लिए अच्छी होनी चाहिए। डिप्रेशन में एक तारीफ भी बड़ा काम करती है, आप उनकी तारीफ किया करिए, आप तो ऐसे हौसले वाले हैं और आपके तो अंदर तो ये बात इतनी अच्छी है, वो बात इतनी अच्छी है। ये तरीका है उस शख्स को हौसला देने का। ये तो हुई बातचीत से इलाज। एक इलाज बहुत अच्छा है और उसे कहते हैं यूनानी इलाज, 3-4 महीने इस्तेमाल करना चाहिए दवा, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए, धनिया 300 ग्राम धनिया का दाना, ये इसका पाउडर बना लें 300 ग्राम, आंवला 150 ग्राम, आंवला सूखा मिलता है उसको 150 ग्राम, और छोटी हड़ आती है उसको पहले घी में या तेल में भून ले, उसका पाउडर बना ले, ये भी 150 ग्राम, इलायची 40-50 ग्राम, छोटी इलायची जो हरी इलायची होती है 40-50 ग्राम, और गौंद मोरिंगा सफ़ेद इसमें मिलाएं 150 ग्राम, खूब बारीक पाउडर बनाएं और एक चम्मच उनको खिलाएं, चाहें तो दूध में मिलाकर भी खिला सकते हैं, पाउडर भी खिला सकते हैं, या इस सब पाउडर में इसके बराबर का आप शहद मिला दें और चम्मच से ऐसे मिक्स कर दें तो ये एक अच्छा माजून बन गया। एक चम्मच सुबह खाली पेट पानी से और रात को
पानी से दे दिया करें, ये उनका ठीक होना मुमकिन।